तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का जरूर देखें। लास्ट एपिसोड में सभी मेन कैरेक्टर्स वैन में बैठकर फिर से फैसिलिटी में पैसों के लिए अपनी जान के साथ खेलने आए हुए थे। पुलिस ऑफिसर जुन्हो अपने कार से अपने भाई को ढूंढने के लिए गीहू की वैन का पीछा कर रहा था। गीहू की वैन एक हार्बर पर आकर रुकती है जहां पर वैसे ही और भी कई सारे वैन्स को एक शिप में लोड किया जा रहा था। जुन्हो अपनी कार से उतरकर गीहू की वैन के नीचे लटक जाता है और लटक कर शिप पर पहुंच जाता है। उस शिप में रेड सूट पहने स्टाफ ने प्लेयर्स के कान चेक करना शुरू किए हुए थे, जिससे कि हमें पता चला कि प्लेयर्स के कानों में कोई डिवाइस डाला गया है। जुन्हो एक वैन में घुसा और एक स्टाफ को पकड़कर बेहोश कर दिया और उसके कपड़े और मास्क पहनकर बाहर आ गया। जब पूरा स्टाफ वहां से चला गया तो जुन्हो ने अपनी आईडी बेहोश स्टाफ की जेब में रख दी और उसे पानी में फेंक दिया। इतने में एक स्टाफ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसके पास आकर पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी जुन्हो का सीनियर था, जिससे कि उसे ये पता चला कि उनके सर पर बने शेप्स उनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, और जुन्हो ने अपने आप को सीसिंग बताकर बचा लिया। फिर शिप एक आइलैंड पर पहुंचकर रुकती है जहाँ पर सभी प्लेयर्स को एक हॉल में लाया जाता है। प्लेयर्स अभी भी होश में नहीं थे और स्टाफ ने सभी के कपड़े बदले और उनका सामान को जब्त कर लिया गया। सेबियो थोड़ा होश में थी तो उसने एक स्टाफ की जेब से धीरे से एक छोटा सा चाकू निकालकर अपने पास में छुपा लिया। फिर सभी प्लेयर्स हॉल में होश में आते हैं और गीहू फिर उस बूढ़े आदमी इल्लाम से मिलता है। सांगवू और अली ने भी उन दोनों को ज्वाइन करके टीम बनाने को कहा, जिससे कि उन दोनों का जीतना आसान हो जाए। दूसरी तरफ गैंगस्टर डियोक्सू भी अपनी टीम बना रहा था, जिसके लिए उसने सेबियोक को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन सेबियोक ने उसे साफ मना कर दिया। और इतने में मिन्यू उनकी बातों के बीच में आ गई। मिन्यू वही औरत थी जिसने पिछली बार स्टाफ से उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाया था। मिन्यू ने फिर डियोक्सू से उसे अपनी टीम में लाने के लिए कहा, लेकिन डियोक्सू उसकी इंसल्ट करके वहां से चला गया। फिर रात में स्टाफ की ड्यूटी पूरी होने पर उन्हें अपने रूम में जाने को कहा गया, और जुन्हो अभी तक बचता हुआ अपने रूम में पहुंचता है और देखता है कि रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। मिन्यू को भी बाथरूम जाना था तो वो गेट ठोक ठोक कर गार्ड्स को उसे बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगी थी, और कुछ देर के बाद में गार्ड्स ने गेट खोल दिए, जिसके फायदा उठाकर सेबियोक भी मिन्यू के साथ बाहर निकल गई। मिन्यू ने अपने कपड़ों में कुछ सिगरेट छुपाई हुई थी जो बाथरूम में आकर पीने लगी, और सेबियोक भी उसके बाथरूम में आ गई और ऊपर बने वेंटिलेटर को चाकू से खोलकर उसमें घुस गई। फिर थोड़ा सा आगे जाकर सेबियोक को दूसरे वेंटिलेटर के नीचे बना हुआ किचन दिखाई दिया। उस किचन में स्टाफ पानी में बहुत सारी शक्कर मिला रहा था, जिसे देखकर सेबियोक वापस बाथरूम में आ गई ताकि गार्ड्स उसे न पकड़ ले। उसने ये बात मिन्यू को बताई, लेकिन मिन्यू ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। फिर अगली सुबह प्लेयर्स को नाश्ते में दूध और ब्रेड दिया गया, जिसे गीहू और उसकी टीम ने मिलकर एंजॉय किया। उनमें धीरे धीरे बॉन्डिंग बनने लगी, और स्पेशली गीहू और इल्नाम में, जो मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करते थे। अली बाहर सबके साथ में अच्छे से रहता था, लेकिन सांगवू अभी भी थोड़ी दूरी में रहता था। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होता है कि नेक्स्ट गेम शुरू होने वाला था और सारे प्लेयर्स बाहर जा रहे थे। रास्ते में सांगवू ने सेबियोक से पूछा कि उसने कल रात को क्या देखा, क्योंकि उसने पिछली रात उसकी और मिन्यू की बातें सुन ली थी। सेबियोक उसे बताती है कि स्टाफ बहुत सारी शक्कर को घोल रहे थे, और बाहर आकर सांगवू ने देखा कि दीवार पर अलग अलग तरह के शेप्स बने हुए हैं। उसे देखकर ये समझ आ जाता है कि वो एक बहुत पुराना कोरियन गेम खेलेंगे, जिनमें उन्हें शक्कर और शहद से बने स्नेक को एक शेप में तोड़ना पड़ता है। ये पता चलने के बाद में सांगवू ने अपनी टीममेट्स को ये बात नहीं बताई और सबसे आसान शेप अपने लिए चुन लिया। गीहू ने अम्ब्रेला का शेप चुना, जो कि सबसे मुश्किल था, लेकिन फिर भी सांगवू ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद में सबको स्नैक्स दिए जाते हैं, जिसमें गीहू ये देखकर शॉक हो जाता है कि अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसका इस शेप को तोड़ पाना नामुमकिन है। सांगवू सेबियोक को सबसे इजी ट्रायंगल्स मिलते हैं, अली को सर्कल और इल्नाम डियोक्सू और मिन्यू को स्टार्स। सांगवू और सेबियोक ने आसान से शेप्स अपने लिए तोड़ लिए थे और अली का सर्कल भी बन गया था।
और फिर उन्हें नीचे भेज दिया जाता है। यहाँ पर मिनियो ने लाइटर की मदद से चीटिंग करके शक्कर पिघलाई और अपना शेप तोड़कर अंदर आ गई, और जाते जाते उसने अपना लाइटर डियोक्सी की तरफ फेंका उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी हाल में डियोक्सी की टीम में आना चाहती थी। दूसरी तरफ गिनयू और इलनाम फंसे हुए थे और जल्दी स्टाफ ने उन प्लेयर्स को मारना शुरू कर दिया था जिनके शेप्स टूट गए थे। गिनयू को आइडिया आता है कि अगर वो स्नेक को चाट कर एकदम पतला कर दें तो वो आराम से टूट जाएगा, और उसके आसपास के लोग और इलनाम भी ये तरीका अपनाने लगे। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, गिनयू और इलनाम का सही शेप टूट गया और वो बचकर बाकियों के पास में आ गए। हालांकि जो फेल हो गए उनकी बुरी तरह से जान ले ली गई। ओवरसियर अपने मॉनिटर से सबको देख रहा था और जिन्हों भी फील्ड पर मौजूद था, और इस गेम की असलियत देखकर वो भी हैरान रह गया था। उसका सुपीरियर जिसके सर पर स्क्वायर बना हुआ था उसके पास आता है और जूनो को अपनी ड्यूटी करने के लिए कहने लगता है, जो कि लाशों को उठाकर ले जाना था। सुपीरियर ने फिर जूनो को बाद में उसे मिलने को कहा था, और इतने में एक फेल हो चुके प्लेयर ने मरने से मना कर दिया था और एक स्टाफ से गन छीनकर दूसरे स्टाफ को पकड़ लिया था। उसने उस स्टाफ से अपना मास्क उतारने को कहा और देखा कि वो बस एक बच्चा है। वो प्लेयर इससे दुखी हो गया और उसने अपने आप पर गोली चलाकर जान दे दी। ओवरसियर ये देखकर फील्ड में आता है और उस स्टाफ को मार देता है, क्योंकि कोई भी स्टाफ अपना चेहरा रिवील नहीं कर सकता था। जूनो उस स्टाफ के मेंबर की बॉडी उठाने आता है और देखता है कि ये वही था जिसने कुछ दिन पहले उसे मिलने बुलाया था। जूनो अपने मास्क को उसके मास्क से बदल लेता है ताकि उसे बड़ी रैंक मिल जाए। फिर सभी अपने रूम में आ जाते हैं, लेकिन एक स्टाफ प्लेयर 111 को अपने साथ ले जाता है, और फिर बाद में ये पता चलता है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर इलीगली बेचते हैं। प्लेयर नंबर 111 एक सर्जन था जो उनकी इस काम में मदद करता है, और इसके बदले स्टाफ उसे होने वाले अगले गेम के बारे में बता देते हैं जिससे कि वो उनमें पास हो जाए और उनका एक सीक्रेट मिशन चलता रहे। डियोक्सू ने मिनियो को उसकी मदद करने के कारण अपनी टीम में ले लिया था, और फिर कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि 187 प्लेयर्स में से 79 मारे जा चुके हैं। अगले सुबह प्लेयर्स को नाश्ते में एक अंडा और कोल्ड ड्रिंक मिलती है, और डियोक्सू ये कहता है कि ये खाना उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर वो और उसकी एक टीम और खाने के लिए दोबारा लाइन में घुस जाते हैं, जिसके कारण उनके पीछे लगे हुए लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर एक लड़की सबको बताती है कि ऐसा डियोक्सी के कारण हुआ था, जिससे कि दूसरा प्लेयर डियोक्सी से अपना हिस्सा लेने के लिए चला जाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक छीनने लगता है। फिर डियोक्सी उसे धक्का देकर तब तक मारता है जब तक कि वो मार खा खा कर अधमरा नहीं हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद सांगू उस प्लेयर को चेक करने आता है और देखता है कि वो मर चुका है। गिनयू ने स्टाफ के पास आकर मदद मांगी और सीसीटीवी कैमरा में देखकर ओवरसीयर्स को भी बताया, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट होती है कि प्लेयर नंबर 127 मर गया है। सबको पता चलता है कि यहाँ पर एक दूसरे की जान लेना अलाउड है, जिससे कि डियोक्सू की टीम ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सभी को मारकर गेम जीत लेंगे। कुछ स्टाफ मेंबर्स कॉफिन के साथ आते हैं और प्लेयर 127 की बॉडी उसमें डालकर ले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अभी भी बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहा था, जिसके बाद फैसिलिटी के स्टाफ ने उसे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में रहने को कहा। उन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर कम खाना सप्लाई किया, क्योंकि वो चाहते थे कि प्लेयर्स पागल हो जाए और पैसों के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर स्टाफ ने डॉक्टर को अगला गेम बताकर वहाँ से भेज दिया। हॉल में गिनयू और उसकी टीम ने यह डिसाइड किया कि पूरी रात जागेंगे ताकि वो सेफ रह सके। फिर गिनयू डोर से अकेले बैठी हुई सेबियो को देखता है और पास जाकर उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन सेबियोक ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करती थी। फिर डॉक्टर हॉल में आता है और टीम ढूंढने लगता है। उसने डियोक्सी की टीम ज्वाइन करने का सोचा, जैसा कि उसके स्टाफ ने उसे बताया था। वो डियोक्सी के पास आता है, लेकिन डियोक्सी ने उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर दिया था। लेकिन फिर डॉक्टर ने उसे धीरे से अपना सीक्रेट बताया, जिसके बाद डियोक्सी ने उसे खुशी खुशी अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर रात के समय स्टाफ को अगले गेम के लिए हाई अलर्ट रहने को कहा जाता है, जो कि असल में वो लड़ाई है जो लाइट्स बंद होने के बाद में शुरू होती है। और जैसे ही लाइट्स बंद होती है, डियोक्सी की टीम ने प्लेयर्स को मारना शुरू कर दिया था। सबसे पहले प्लेयर की जान डियोक्सी ने ली, जिसकी चीख से सभी की नींद खुल जाती है, और ओवरसियर अपने नाइट विजन मॉनिटर में सब कुछ देख रहा था। उसने एक स्टाफ को लाइट चमकाते रहने को कहा, जिससे कि लड़ाई साफ साफ दिखाई दे सके।
वहाँ के बेड्स गिरने लगते हैं और पूरा हॉल जंग के मैदान में बदल जाता है। डियोक्सो फिर सेबियो के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला था कि तभी कोई दूसरा प्लेयर डियोक्सो को मार देता है, जिससे कि सेबियो की जान बच जाती है। गियो की टीम एक दूसरे के पास आती है लेकिन उन्हें इलनाम कहीं नहीं मिल रहा था। सेबियोक ने फिर अपनी सेफ्टी के लिए गियो का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और इतने में डियोक्सो और उसकी टीम उन पर अटैक करने आ जाती है। इतने में सबको इलनाम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सबसे ऊंचे बेड पर चढ़कर सभी को रुक जाने के लिए कह रहा था। ओवरसीयर्स उसे देख लेता है और उसे देखकर लाइट्स ऑन करवा के स्टाफ को अंदर भेजता है और पूरा हॉल खून और डेड बॉडीज से भर जाता है, जिसके बाद में एक अनाउंसमेंट होती है कि 27 प्लेयर्स कम हो गए हैं और मरे हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज को ले जाकर फर्नेस में जलने के लिए डाल दिया जाता है। फिर सब कुछ शांत होने के बाद में गियो और उसकी टीम एक साथ बैठते हैं और खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी वो एक दूसरे को उनके नंबर से बुला रहे थे। इलनाम अभी तक इस जंग के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था, जिससे कि वो अपना ही नाम भूल गया था। और फिर गियो उसे कहता है कि वो कुछ देर आराम करें तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर डियोक्सो को लगी चोट पर टाके लगा रहा था और पूरी टीम इतने सारे लोगों को मारने के कारण खुश थी। वे सभी डिसाइड करते हैं कि वो तब तक लोगों को मारते रहेंगे जब तक कि आखिरी प्लेयर न बच जाए, जिसे सारा पैसा मिल जाएगा। मेन्यू ये देखती है कि डियोक्सो उससे ज़्यादा डॉक्टर को पसंद कर रहा है। डियोक्सो के करीब आने के लिए मेन्यू उसके पास आकर उसके कान में धीरे से अपने साथ वॉशरूम में चलने को कहती है, जहाँ पर दोनों में इंटरकोर्स होता है। और फिर अगले सुबह प्लेयर्स को उठाकर ये बताया जाता है कि अगला गेम शुरू होने वाला है। सभी को एक वाइट रूम में लाया जाता है जहाँ पर सभी को 10-10 प्लेयर की टीम बनाने को कहा गया था। गियो की टीम में 5 लोग थे तो सब ने एक एक प्लेयर लाने का डिसाइड किया हुआ था। डियोक्सो को पता था कि इस बार कौन सी गेम है, तो उसने अपनी टीम को अपने जैसे और ताकतवर आदमी लाने को कहा था। मेन्यू यहाँ पर रोने लगी थी क्योंकि डियोक्सो ने उसे टीम से निकाल दिया था, लेकिन डियोक्सो उसे जमीन पर गिरा कर चला गया था। यहाँ पर सेबियो को कोने में एक लड़की अकेली बैठी हुई मिलती है, तो वो उसे गियो की टीम में ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो लड़की मान जाती है। इलनाम के अलावा हर कोई एक एक मेंबर लेकर आया था, जिससे कि वो टोटल 9 ही थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेन्यू ने आकर उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया था। सभी को एक बड़े हॉल में लाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ऊंचा ब्रिज बनाया हुआ था, और बाद में पता चलता है कि ये रस्सी खींचने का गेम है और जो भी टीम इस रस्सी खींचने के गेम में हार जाएगी वो नीचे गिरकर मारी जाएगी। गियो की टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी था, जिससे कि उनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम थे। और यहाँ पर डियोक्सो की टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ चुके थे। गेम में सबसे पहले डियोक्सो की टीम के साथ एक दूसरी टीम का मैच शुरू हुआ था और उन्होंने कुछ ही पल में इस गेम को जीत लिया था, और हारने वाली टीम ब्रिज से नीचे गिरकर मारी गई थी। और फिर कुछ स्टाफ मेंबर्स आते हैं और उनकी डेड बॉडीज को कॉफिन में डालकर ले जाते हैं। फिर अगला मैच गियो की टीम का था और उनकी अपोजिट टीम में काफी स्ट्रॉन्ग आदमी थे। इलनाम ये बताता है कि वो बचपन में इस गेम में माहिर था और वो इसीलिए टीम को कुछ टिप्स देता है। वो कहता है कि सबसे आगे और सबसे पीछे टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग खड़े होंगे, दूसरा ये कि एक एक प्लेयर रस्सी के हर साइड खड़े रहेंगे, और तीसरा कि उनके पैर हमेशा सामने की तरफ रहना चाहिए और हाथों के साथ उन्हें अंडरआर्म से भी रस्सी को पकड़े रहना होगा, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि शुरुआत के 10 सेकंड तक उन्हें ज़मीन पर खड़े रहना होगा, जिससे कि सामने वाली टीम की रिदम टूट जाए, और ऐसा होते ही वो रस्सी खींचने लगे। फिर गेम शुरू होता है और गियो की टीम जीत रही थी, लेकिन कुछ देर में सामने वाली टीम उन पर हावी होने लगी थी और गियो की टीम कोने तक आ जाती है, मतलब कि वो मरने ही वाले थे। और फिर सांगू चिल्लाकर सभी को लास्ट प्लान फॉलो करने के लिए कहता है। उन्हें रस्सी को डेली छोड़ना थी ताकि सामने वाली टीम का बैलेंस बिगड़ जाए, और 3 के काउंट में पूरी टीम उस रस्सी को छोड़ देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो नीचे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्क्विड गेम्स के बाकी के एपिसोड भी जल्द ही आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।